मैं 8 साल से घूम रहा हूं और कालर पकड़ करके तुमको तुम्हारी औकात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। हमने लोगों का नमक खाया है, इसलिए हम नमक की अदायगी कर रहे हैं, और उसी नमक की अदायगी करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। ये चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। यह चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि इस देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। कैसी खुलेआम बेईमानी चल रही है। ये चाहते हैं कि इस लोकतंत्र से विपक्ष समाप्त हो जाए। जो भी बोलने वाला इंसान है, जो भी इनसे सवाल पूछने वाला इंसान है, जो भी इनका गिरेबान पकड़ करके इनसे प्रश्न पूछता है, उसको ये बदनाम करने का काम करते हैं, मुझे भी बदनाम करते हैं। मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर हमने कोई गलती की, तुम्हारे पास कोई सबूत है, मैं नकली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सचमुच तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम 18 महीने से मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखे हो और मैं 8 साल से घूम रहा हूं और कालर पकड़ करके तुमको तुम्हारी औकात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। हम सच के साथ खड़े हैं। हम जो पूछते हैं इस देश हित में पूछते हैं। हम जो लड़ते हैं लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। हमने लोगों का नमक खाया है, इसलिए हम नमक की अदायगी कर रहे हैं, और उसी नमक की अदायगी करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने मुझे उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। यह चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि इस देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। कैसी खुलेआम बेईमानी चल रही है। जिन लोगों पर यह आरोप लगाते हैं, वो व्यक्ति अगर इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो सारा आरोप धुल जाता है। मैं कहता हूं कि अगर केजरीवाल जी भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते तो वो जेल में नहीं होते। अगर मनीष सिसोदिया जी भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते तो वो जेल में नहीं होते। यह जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इसका फैसला हम लोगों को करना पड़ेगा, और हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने कर्म से ही, गीता में यही लिखा हुआ है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, हमको अपने कर्म से ही अपने काम को सार्थक करना पड़ेगा। और इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो 24 लाख वोटर हैं, उनको यह फैसला करना पड़ेगा कि वो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो एक बदलाव के विकल्प के रूप में हम आपके सामने खड़े हैं। बोलिए, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव चाहते हैं? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, आगे से पीछे तक बताइए, आप बदलाव चाहते हैं? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कोई आकर के आपको गुमराह करने की कोशिश करे। सांसद महोदय आ रहे हैं और जब लोग उनसे पूछता है, आज आए थे वहां पुस्ता की सड़क पे सुबह पे, और गली में घुसने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि गली में आते तो लोग उनसे सवाल पूछते कि साहेब गाना बजाना ही होगा कि सड़क भी बनेगी, गली भी बनेगा? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए वो हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं। साहब, चांद के ऊपर थूकने का कोशिश कीजिएगा ना, आपका अपना मुंह गंदा हो जाएगा। आपका अपना मुंह इसलिए गंदा हो जाएगा कि हम विपक्ष में हैं, सवाल पूछना हमारा काम है, आप सरकार में हैं और आप 10 साल से सरकार में हैं, जवाब देना आपका काम है, सवाल पूछना आपका काम नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि आप आकर के चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि 4 महीना का और वक्त दे दो, क्या 4 महीना का टाइम मांग रहे हैं ना? गनीमत है कि 4 महीना मांगा है, क्या पता 9 महीना मांग लेते हैं कि वो जो बच्चा गोद में है वो बच्चा चलने लगता, विकास नाम का बच्चा, 4 महीना मांग रहे हैं। तो आप तय कीजिए कि जो आदमी 10 साल में डबल पुस्ता नहीं बनाया,
जो आदमी 10 साल में अपने नाम का एक पत्थर नहीं लगाया, जो आदमी 10 साल में एक स्कूल नहीं बनाया, जो आदमी 10 साल में एक अस्पताल नहीं बनाया, आपको लगता है कि 4 महीना उसको मौका दे दीजिएगा तो कुछ करेगा? बोलिए, लगता है? तो फिर से गुमराह होंगे हम लोग, फिर से गुमराह करने की कोशिश करेंगे कोई? इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि मैं एमपी कैंडिडेट नहीं हूं, आपको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, और मैं कहता हूं कि अपने आत्मसम्मान के लिए हमको खुद ही खड़ा होना पड़ता है। माता जी, हम रोते नहीं हैं तो आपको पता चलता है कि भूख लगा है? बच्चा रोएगा तब ना पता चलेगा कि भूख लगा है। इसीलिए हमको अपने हक में आवाज उठानी पड़ेगी। बोलिए, आप आवाज उठाने को तैयार हैं? उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग न्याय चाहते हैं। अगर न्याय चाहते हैं तो आप एमपी कैंडिडेट बनिए, घर घर जाइए, गली गली जाइए, लोगों से बात कीजिए और लोगों को कहिए कि 10 साल हमने किसी को मौका दिया, एक मौका किसी और को देखते हैं। काम करेगा तो ठीक, नहीं काम करेगा तो कान पकड़ करके इसको भी गद्दी से नीचे उतार देंगे। बोलिए, ठीक बात कि नहीं ठीक बात? और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो नौजवान यहां पर सुन रहा है, सुन लो मेरे भाई, अगर आपके पास डिप्लोमा है और हमारी सरकार बनी तो हम 1 लाख की पहली नौकरी की गारंटी करते हैं। जो हमारी महिलाएं सुन रही हैं, सुन लीजिए माताएं बहनें, अगर हमारी सरकार बनी तो महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने आपको 1000 रुपया ऑलरेडी दिल्ली सरकार देता है ना, हर महीने 1500 देता है, 1000 हम 8500 रुपया जो है आपको देने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो जो नौजवान है, जो विद्यार्थी पढ़ता है, सुनो मेरी भाई, अगर इस देश में बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, इन्होंने अपने दोस्त का, बड़े पूंजीपतियों का, बड़े धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है। हम कहते हैं कि अगर इस देश में बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ हो सकता है तो आपको किसानों का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा, आपको विद्यार्थियों का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई किया है उस तमाम लोन को हम 0 करेंगे, उसका कर्जा माफ करेंगे। और कर्जा हम इसलिए माफ करेंगे कि कर्ज लेकर के बच्चा पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, MBA करता है, लेकिन जब नौकरी ढूंढने के लिए जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो हम विद्यार्थियों का कर्जा माफ करेंगे। तो हम नारी न्याय करेंगे, युवा न्याय करेंगे, किसान न्याय करेंगे, विद्यार्थियों के साथ न्याय करेंगे। और इस देश के अंदर रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, यह देश हम सबका है, यह देश जितना धनवानों का है उतना ही गरीबों का है। और चप्पल पहनने वाला गरीब का एक बच्चा आपसे वादा करता है कि हम अपना हक लेकर के रहेंगे। आप हमारी आवाज को ताकत दीजिए, संसद में आपकी आवाज गूंजेगी, संसद में आपकी मांग गूंजेगी, और आपके हक और अधिकार के लिए अपने खून के आखिरी बूंद तक संघर्ष करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि इस बार आप बदलाव के पक्ष में काम करेंगे और उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव हो करके रहेगा। बोलिए, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा? तो इस बार 25 मई को आप परिवर्तन कीजिए। और परिवर्तन का जो चिन्ह है, चिन्ह के बारे में एक बात आपको बता देते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ हुआ है, और इस गठजोड़ में दिल्ली की जो 7 सीट है, 4 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, झाड़ू वाले लड़ रहे हैं, और 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का पंजा वाला पार्टी लड़ रहा है। इसीलिए आपके यहां वो बदलाव का चिन्ह हाथ का छाप है, और वो छाप 2 नंबर पे है। आप उत्सव की तरह तैयार होकर के अपने घरों से निकलिए और परिवर्तन के उस बटन को दबाइए और उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव लेकर के आइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।